सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे के अंतिम दिन नंदानगर स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास बन रहे अंडरपास के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपस्थित रेलवे अधिकारियों द्वारा नंदानगर में बनाए जा रहे अंडरपास के डिजाइन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि अंडरपास का कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण होना चाहिए, जिससे लोगों को आवागमन में सहूलियत मिल सके। निरीक्षण के दौरान फतेह बहादुर सिंह, नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, आईजी नीलाब्जा चौधरी, मंडलायुक्त अनिल कुमार, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर सहित कई अन्य गणमान्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नंदानगर रेलवे क्रॉसिंग पर लोगों के आवागमन के लिए काफी समस्या उत्पन्न हो रही थी। लोगों की समस्याओं को देखते हुए यहां अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा, यहाँ से आगे आप करेंगे, यहाँ से आगे ये ट्रेन इधर से कहाँ निकल जाएगा, आगे जाके जहाँ से शुरू हुई थी उसके बगल से पहले पहले ट्रेन का काम शुरू हो जाता है, बॉक्स इंसर्ट करने के पहले हो जाएगा सब। यहाँ से ट्रेन जाएगा जो नाला है, इस नाले के पैदल एक आगे जा कर के फिर एक ट्रेन आगे बढ़ जाएगा। सर कैसे करेंगे तो लेकर के? सर एम्स के दोनों तरफ से जाएगा सर, सर एक पूरा एरिया ये जाता है और एम्स के सर ईस्ट की तरफ करा दीजिए जल्दी। सर लगभग 781 लाख का प्रोजेक्ट है, दोनों नाल करवा नाले कब तक बन जाएंगे? ये मेन वगैरह हो गया, 6 से 7 महीने के बीच में बन जाएगा। इसकी कास्टिंग हम लोग मतलब जल्दी बेस तैयार कर लिया, शुरू कर रहे हैं मई जून जुलाई तक में ये कास्टिंग हम लोग पूरा कंप्लीट करने का प्लानिंग है। तो उसके बाद में लास्ट जब कास्टिंग हो जाती है तो करीब 1 महीने और उसको क्यूरिंग के लिए, तो अगस्त एंड तक तैयार हो जाएंगे। लेकिन मानसून पीरियड में ये इंसर्ट करने का काम नहीं कर पाएंगे, तो मानसून खत्म तो डिपेंड्स ऑन अप्रोच जो अप्रोच जैसे रेडी कर लेंगे तो फिर वो हमारे हमारा काम खत्म हो जाएगा। अक्टूबर में हम का काम जो है अक्टूबर में और प्रारंभ काम प्रारंभ कर सकते हैं, हमारा एग्रीमेंट बना हुआ था जाते हो जाए सर, हम लोग दिसंबर में खत्म कर सकते हैं। तो सर अभी हमारे ही है फोर व्हीलर ट्रॉली ट्रैक्टर सब 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 जाएगा, 8.5 फीट हाइट है, 8.5 फीट अंदर से क्लियर हाइट 8.5 फीट ठीक है। और ये एक उसमें वो रहेगा, दो तरफ आप दे देंगे, एक साइड को वहीं से जाएगा सर, तो ये भी कर लेंगे सब, ये हट जाएगा तभी यहाँ पर उसको दिखवाते आप शुरू कराइए नहीं तो दिसंबर में आप कह नहीं पाएंगे। एक इधर हल्के वाहनों के दोनों जाएगा, दोनों तरफ जाएगा, दोनों तरफ दिसंबर में आपको देना है। और हाल में अब यहाँ पर आज हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, यह नंदानगर का रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ पे घंटों जाम लगता है। हमने प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पे अंडरपास के लिए पैसा स्वीकृत किया, इसके लिए पीडब्ल्यूडी और रेलवे मिलकर के इस कार्य को यहाँ संपन्न कर रहे हैं और लोकल स्तर पर GDA भी उनको सपोर्ट कर रहा है। इन्हीं सब का निरीक्षण करने का प्रयास है कि दिसंबर 2018 तक ये कार्य भी कम्प्लीट हो।